नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, आभार है। इसी तरह का प्यार जो आप हमको दे रहे हैं, लगातार देते रहिए। आज हम आप लोगों के जीवन से संबंधित 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जीवन में किसी से जो है किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं रहेगी, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और अपना काम सही से करेंगे। और जो भी इच्छाएं आपने अपने जीवन में बनाई हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, और आप स्टैंडर्ड लाइफ, मान सम्मान, इज्जत, सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात हम आज करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बात आज किया जाएगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब होता है अपने आप में सुधार करना। आदमी आज सबसे ज़्यादा जो है परेशान क्यों है, क्योंकि वो अपनी आदतों से परेशान है। वो अपनी आदतों में सुधार ही नहीं करता है, दूसरों की जो है ईर्ष्या द्वेष में लगा रहता है। आप अपने ऊपर काम कीजिए। मैं जिम्मा लेता हूँ कि आप दुनिया के एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि आपकी कोई तुलना नहीं कर पाएगा। अपने आप में आप अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। आप डेली अपनी कमियों को नोट करिए कि आज हमने जीवन में कौन कौन सी गलतियाँ की, कौन कौन सी हमारी गलत आदतें हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप अपना एक एक करके ढूंढ के और नोट करते रहते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सर्दियाँ जो है अपने जीवन में, अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपने सोचा है, वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर लेंगे। तो करना क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें लिखा है हमने बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप के ऊपर भरोसा करना। आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। करना आपको है, आपकी ज़िंदगी है, आपको आगे बढ़ना है, सोचा आपने है तो करना भी आपको ही पड़ेगा, दूसरा क्या करेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इतना आप बिलीव रखिए कि मैं दुनिया का एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं दुनिया की हर चीज़ों को कर सकता हूँ। हमें ईश्वर ने जो है 1450 सीसी का दिमाग दिया है, हमारा इतना अच्छा शरीर ईश्वर ने दिया है, हमको इतनी अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया, इतनी अच्छे परिवार में हमको जन्म दिया है, सारी चीज़ें आपको ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं। किसी भी काम को करने से पहले आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपको अनुभव तो ज़रूर मिलेगा, कम से कम करिए तो ज़रूर। पहले आप जो है किसी काम को करने से पहले ही अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या होगा, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। जिसने भी आज अपने जीवन में अपने ऊपर भरोसा कर लिया है, मैं वादा करता हूँ, मैं देखा हूँ अपने जीवन में कि उसने आज दुनिया की हर चीज़ों को प्राप्त कर लिया है और सफलता उसके कदमों में रहती है। ऐसा नहीं कि वो सफलता से दूर हो जाता है। तो आप अपने आप को भरोसा रखिए और जो भी आपकी चीज़ें साथ में हैं उसी में जो है इंजॉय कीजिए। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है चेंज योर हैबिट्स। अब सबसे ज़्यादा कमी आप लोगों को आती है कि चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर लाइफ, हमने लिखा है पोस्टक में। तो अगर आप अपनी आदतों की वजह से आदमी जो है अच्छा बुरा बनता है, उसकी अगर आदतें गंदी हैं, अगर आदतें में सुधार नहीं करता है, खाली अपना समय बर्बाद करता रहता है। आदतें जो होती हैं मनुष्य को, कुछ अच्छी आदतें आपको फॉलो करना चाहिए। जो सफल लोग हैं उनकी आदतों को आप अपने जीवन में उतारें, किताबें पढ़ें और तमाम चीज़ें पढ़ें। फालतू के समय जो आप इंटरनेट पे पिक्चर सिनेमा देखने में, तो व्हाट्सअप के वीडियो कमेंट्स पढ़ने में और तमाम चीज़ों के अननेसेसरी चीज़ों में आप अपना लगा देते हैं, तो उसमें समय ना गंवा करके आप अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अगर समय देते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप जो है अपनी लाइफ को बदल लेंगे। ये 100% शर्तियाँ है, आप हमसे स्टाम्प पेपर पे भी लिखवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें हमने पॉइंट बनाया है, इसमें लिखा है कि ऑलवेज लर्निंग, हमेशा सीखते रहो। अगर आपने हमेशा सीखने की क्षमता है, अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई नई खोज करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि सीखने से ही आदमी आजीवन, जन्म से लेके मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। और जिस सेक्टर में आप अच्छा करना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा आप रिसर्च करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा हमने लिखा है डोंट कंपेयर टू योर सेल्फ अदर, दूसरों से अपनी तुलना ना करें। कुछ लोग अपनी दूसरी तुलना करते हैं कि वो तो बहुत हैंडसम है, उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वही ये व्यक्ति काम कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी बहुत गंदी सोच है। इस सोच को अगर आप रखते हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे।
ये मेरा दावा है, वादा है। आप अपने आप को कभी भी दूसरे से तुलना न करें। आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आपके अंदर बुद्धि विवेक सारी चीजें हैं, बस केवल आत्मसंयम की कमी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं कर पाते हैं कि मैं ये चीजें कर पाऊंगा। करने की कोशिश तो कीजिए, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन को आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में हाई स्कूल में, वो कितनी बार अपना रिसर्च में फेल हुए, तब से गबद्दू टाइप का लड़का था, उसके दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं आती थी, उसके अध्यापक ने स्टूपिड बॉय कह के उसको क्लास से बाहर कर दिया था, और 1000 प्रैक्टिकल करने के बाद आज उसने क्या बना दिया, बल्ब का आविष्कार कर दिया जिसके लाइट में हम आप रहते हैं, उजाला दे दिया संसार को। तो आप अपने आप को मंद बुद्धि मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखिए। मैं दावा करता हूं कि आप दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं कि जो करने की क्षमता आपके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है, और जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। अपने आप में बिलीव करिए और कुछ नया कीजिए, दूसरों से तुलना करना बंद करिए और आप अपना विकास कीजिए। चौथा पांचवा नंबर पॉइंट है फेस योर फेस, अपने डर अंदर के डर को भगाना। अपने अंदर से आप डरे रहते हैं कि भैया हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। अरे आप सीखना शुरू कीजिए, कार्य को करना शुरू कीजिए। दुनिया में हर काम जीरो से ही शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके आदमी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट करता जाता है। अब हमें ही ले लीजिए, मैं जब पढ़ता शुरू में वीडियोज बनाता था तो मैं भी सोचता था हम नहीं कमा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कार्य को करते हुए सीखते हुए आज हम लोग हम आपके सामने जो है लाइव वीडियो बनाते हैं। पहले हम लाइव नहीं बनाया करते थे, मुझे कैमरे से डर लगता था, तमाम चीज़ें थी, और मैंने क्या किया था, मैंने यही एक काम किया था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ऊपर फोकस किया, बस एक ही काम हमने किया, और अपने ऊपर हमें विश्वास था कि मैं भी जो है यूट्यूब पे अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं दुनिया का अभिन्न इंसान हूँ, ईश्वर ने हमको अलग नई ऊर्जा चेतना प्रदान करके इस धरती पर भेजा है, तो मैं किसी से अंदर से डरता नहीं था, मैं अपना काम करने में एनर्जेटिक रहता था, इसीलिए जो है आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, अब आप अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, दूसरों की बातों में झगड़े लड़ाई में आप फंसे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है। स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आज से अभी से बंद कर दीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सफल लोगों को फॉलो कीजिए, और समय का एक एक मिनट आप अपने सदुपयोग में लगाइए, क्योंकि दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं उनके पास भी 24 आवर ही है, 24 घंटे के अलावा कोई अलग समय ईश्वर ने सबको दिया है और आपको भी 24 घंटे दिया है, लेकिन वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सही काम में सही दिशा में लगाते हैं और सफल हो जाते हैं, उनके जितने सपने होते हैं पूरे हो जाते हैं। और आपके सपने क्यों नहीं पूरे होते, क्योंकि आप जो है अपने आप को लेजी बनाए रहते हैं, कमज़ोर बनाए रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, वेस्ट करते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमने ईश्वर ने जो है सारी चीज़ें नहीं दिया है, हमारा भाग्य ही खराब है। इस चीज़ों को आप बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए समय को बर्बाद करना। जिस दिन आपने समय को बर्बाद करना छोड़ दिया, समय की कीमत को जान लिया, दुनिया के आप डायमंड बन जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, 100% आप डायमंड बनेंगे, इसमें कोई बट नहीं है। सातवां जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर। आप दूसरों के ऊपर भरोसा किए रहते कि हमारा फला व्यक्ति जो है मदद कर देगा, हम उससे जो है हमारा ये लाभ होगा, हमें वो गाड़ी खरीद देगा, हमें वो बंगला खरीद देगा, कोई कुछ नहीं करने वाला है, ये संसार बहुत मतलबी है। तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। केवल इस धरती पे जो है ईश्वर एक है, जो परमात्मा है, जो परमपिता परमात्मा है, जिसने ये जन्म दिया है वही आपका परमार्थ करेगा, और सभी लोग स्वार्थी हैं, तो किसी से आप भरोसा मत रखिए कि हमारा काम फला व्यक्ति कर देगा, सब स्वार्थी हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना काम कीजिए। और आठवां पॉइंट हमने लिखा बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो अपने काम के प्रति, लापरवाह मत बनो, लापरवाह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। आप अपने अपने काम को लेके जिम्मेदार रहिए, जैसे मेरा काम है डेली वीडियोज बनाना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और सारे काम करना, तो मैं अपना काम जिम्मेदारी से करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग एक ना एक दिन मुझे जो है मिलीनियर बना देंगे, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, अभी पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब से पैसा मिलने वाला है, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, लापरवाह नहीं हूँ, मुझे विश्वास है मेरे अपने अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। आप भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए
और कुछ नहीं होता कि हमारे पास जो है ये चीज़ें नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जितने सोर्स आपके रिसोर्स आपके पास हैं उसी से काम शुरू कीजिए और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप जीवन में तरक्की ना कर गए तो बताइएगा हमको। तो इसी के साथ मैं आपको ये दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप अपने जीवन में आठों पॉइंट उतार लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और डेली इस पर काम करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, तो आप दुनिया के चमकते हुए हीरे बन जाएंगे। ये मेरा दावा है, आज से ही इसे नोट कर लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। और आपके जीवन में इन बातों का क्या प्रभाव पड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमको सुझाव दीजिएगा। मिलता हूँ पुनः एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू।